पिक्चर शौकीन्स आपका स्वागत करता है। आज की मूवी का नाम है चक्रव्यूहम द ट्रैप और इसकी IMDb रेटिंग पता है कितनी है? 9/10। सोचो कितनी जबरदस्त मूवी होने वाली है। इस मूवी में एक आदमी ऐसा चक्रव्यूह रचता है कि सारे के सारे किरदार खुद ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आखिरी मिनट के सस्पेंस के लिए इस मूवी के साथ में पूरा एंड तक जुड़े रहिएगा। मूवी के लास्ट में जब सस्पेंस रिवील होता है ना, यकीन मानिए मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, तो आपका होश उड़ना तो तय है। चलिए, तो मूवी की शुरुआत में हमें इंस्पेक्टर सत्या को दिखाया जाता है, जो बताता है कि कैसे उसने अपनी लाइफ में एक ऐसे केस को देखा जो कि बाकी सभी से एकदम अलग था। फिर हमें पास्ट की एक कहानी को दिखाया जाता है, जहां हमें एक बिजनेसमैन संजय को दिखाया जाता है जो एक पार्टी से अपने घर जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो घर पर उसे फर्श पर खून से लथपथ उसकी वाइफ की बॉडी पड़ी हुई मिलती है। फिर वहां पुलिस आ जाती है और इसमें सत्या भी होता है। यहां हम संजय के दोस्त शरद को भी वहां पे देखते हैं, जो संजय को संभालने की कोशिश करता है। इधर सब इंस्पेक्टर दुर्गा सत्या को बताती है कि शायद किसी चोर ने इस कत्ल को अंजाम दिया, क्योंकि घर से 5 लाख कैश और गहने गायब हैं। साथ ही उसने लाल मिर्च का पाउडर भी सब जगह छिड़क दिया ताकि हम डॉग्स के जरिए इन्वेस्टिगेशन न कर पाए। अब ये सब जानने के बाद सत्या संजय से पूछताछ करने लगता है, तो संजय कहता है कि श्री और मैं आज एक साथ पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे अकेले ही जाना पड़ा और वापस आकर देखा तो श्री मुझे इस हालत में मिली। सत्या अब संजय से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि श्री की माँ का नाम शकुंतला है और जब श्री छोटी थी उन्होंने तभी दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद उसके पिता श्रीकांत का भी देहांत हो गया। फिर श्री के दादाजी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उनकी भी कुछ महीनों पहले ही मृत्यु हो गई। इस तरह से मैं और श्री दोनों ही अनाथ हैं। अब ये सब सुनने के बाद सत्या संजय से कहता है कि मैं जब भी आपको पुलिस स्टेशन बुलाऊं तो आपको आना होगा। ऐसा सुनकर संजय का दोस्त शरद सत्या पे भड़क जाता है, जिस पर सत्या गुस्से में कहता है कि मैं जिसको भी बुलाता हूँ उसे आना पड़ता है और तुम्हें भी आना ही पड़ेगा, समझे। इसी बात पर शरद DCP को कॉल कर देता है, जिस पर DCP तुरंत सत्या को कॉल करके उसे फटकार लगाता है और सत्या वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो इंस्पेक्टर दुर्गा से कहता है कि मैं तो सिर्फ पूछताछ कर रहा था, इसके लिए DCP को मुझे कॉल करने की क्या ही जरूरत पड़ गई। खैर, तो मुझे यहाँ के सभी CCTV फुटेज लाकर दे दो और देखो कि कहाँ कहाँ CCTV नहीं लगा हुआ है। साथ ही संजय, श्री और शरद, इन तीनों की पिछली सभी कॉल रिकॉर्डिंग्स मुझे चाहिए। अब अगले दिन हम संजय को शरद के घर देखते हैं, जहां उनका मैनेजर मलिक भी होता है। यहां हमें पता चलता है कि संजय, शरद और श्री ने मिलकर इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को शुरू किया था। इसी बीच अचानक मलिक के पास पूछताछ के लिए पुलिस का फोन आता है और उसे वहां जाना पड़ता है। उधर इंस्पेक्टर दुर्गा सत्या को बताती है कि श्री को मारने के लिए किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही हमें क्राइम सीन से टोटल 3 लोगों के फुटप्रिंट्स भी मिले हैं। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से श्री और शरद की लगातार बात हो रही। अब ये सब सुनकर सत्या को लगता है कि श्री और शरद, शरद जो कि संजय का बहुत अच्छा दोस्त है, उन दोनों का अफेयर चल रहा हो, जिसके बारे में कल संजय को पता चला हो और उसने अपनी बीवी को मारकर वो गहने गायब कर दी हो ताकि सब कुछ चोरी का मामला लगे। खैर, इसी बीच वहाँ पे श्री की नौकरानी लक्ष्मी और मैनेजर मलिक आ जाते हैं। अब पूछताछ करने पर लक्ष्मी कहती है कि संजय सर और श्री एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन दोनों में पैसे को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। एक दिन श्री कह रही थी कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम ऐसे निकलोगे, हर समय पैसों के पीछे भागना अच्छी बात नहीं होती है, इसी वजह से मेरे खुद के माँ बाप को भी मैंने खो दिया था। तब संजय ने जवाब दिया कि देखो श्री, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक बिजनेसमैन हर समय सोते जागते सिर्फ पैसे कमाने के बारे में ही सोचता है, और ये सारी बातें उस दिन लक्ष्मी ने सुन ली थी। लेकिन उसकी इन बातों से मलिक एग्री नहीं करता और कहता है कि संजय सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक दिन जब मैंने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए थे बिना कुछ कहे। अब सत्या लक्ष्मी से उसके पति रामू के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो तो कल से घर ही नहीं आए। अब ये सुनकर सत्या को लक्ष्मी और रामू पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि जरूर ये कत्ल लक्ष्मी और रामू ने मिलकर पैसों के लिए किया होगा, इसीलिए वो इंस्पेक्टर दुर्गा से रामू को ढूंढने के लिए बोलता है। तभी सत्या को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का फोन आता है। वो बताता है कि श्री का कत्ल किसी बारीक धारदार चीज से किया गया है, साथ ही ये खून चोरी के इरादे से नहीं बल्कि गुस्सा और बदला लेने के इरादे से किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम संजय को देखते हैं, जो अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करते हुए उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है, जिसमें से एक इंसिडेंट उसे बार बार याद आता है, जिसमें एक दिन श्री को किसी और औरत का फोन आता है, जिसके बारे में पूछने पर श्री ने उसे बताया था कि शहर के बाहर जो मेरे दादाजी की जमीन थी वो उन्होंने मेरे नाम कर दी थी और अब मैं उस जमीन को वृद्धाश्रम वालों को दान करना चाहती हूँ। संजय जब उस जमीन का रेट उससे पूछता है तो श्री कहती है कि उसकी कीमत 50 करोड़ के आसपास होगी। अब ये रकम सुनते ही संजय का दिमाग खराब हो जाता है और वो श्री पर भड़क पड़ता है। वो कहता है कि तुम जानती भी हो
कि ये कितनी बड़ी रकम होती है और इस पैसे से हम कितना बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसी पैसे को लेकर उन दोनों में काफी बहस हुई, जिसको लक्ष्मी ने सुन लिया था और उसी दिन से संजय और श्री में बातचीत होना बंद हो गई थी और संजय ने गुस्से में श्री से बातचीत करना भी बंद कर दिया था। साथ ही हमें पता चलता है कि कुछ मेडिकल रीजन की वजह से श्री कभी मां नहीं बन सकती थी। खैर, इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां संजय किसी से मिलने आता है लेकिन वो आदमी उसे नहीं मिलता है तो वो वापस चला जाता है। उधर सत्या श्री की माँ शकुंतला से पूछताछ करने आता है तो वो बताती है कि वैसे तो श्रीकांत काफी अमीर था लेकिन वो नशा करके रोज मारपीट किया करता था और ये सब मैंने 10 साल तक झेला, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने उसे छोड़ दिया। मैं श्री को अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन वो अपने दादाजी के साथ ही रहना चाहती थी। इसके बाद मैंने श्रीनिवास से शादी कर ली, जो नशे के साथ साथ और भी बुरे काम किया करता था, और उसी ने एक दिन मुझे श्री की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में बताया ताकि मैं श्री से उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकूं, लेकिन मुझे वो सब नहीं करना था। अब सत्या वहां से सीधा संजय के दोस्त शरद से पूछताछ करने के लिए जाता है लेकिन शरद उससे ना तो ठीक से बात करता है और ना ही तरीके से कोई जवाब देता है। अब एक दिन जब पुलिस श्रीनिवास को ढूंढ रही थी तो उन्हें रामू भी उसके साथ मिल जाता है और वो दोनों को पकड़ कर ले आते हैं। इसी बीच सत्या संजय को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हुए पूछता है कि ये किससे मिलने के लिए गए हुए थे। तब संजय बताता है कि एक दिन जब मैं और श्री कहीं जा रहे थे तो एक बूढ़े आदमी को देखकर श्री उसे कुछ खाने को देने गई। उसी समय वहां 4 लफंगों में से एक रवि नाम का लफंगा श्री के साथ बदतमीजी करने लगा तो मैंने उसे काफी मारा। मुझे लगा कि रवि ने ही श्री को मारा होगा, इसीलिए मैं उसे मारने के लिए वहां पे गया हुआ था, लेकिन वो मुझे वहां मिला ही नहीं। अब संजय के जाने के बाद रामू सत्या को बताता है कि उस दिन जब रामू लक्ष्मी को लेने के लिए संजय के घर गया तो श्री की लाश देखकर वो वहां से डर के भाग गया और श्रीनिवास से पूछने पर वो बताता है कि उसे श्री की प्रॉपर्टी के बारे में न्यूज़पेपर से पता चला था। उसी दौरान दुर्गा सत्या को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जहां कत्ल के समय उन्हें रवि वहां पे दिखाई देता है। अब सत्या सीधा रवि को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचता है जहां रवि को पहले ही किसी ने मार दिया था। इसके अलावा उन्हें वहां पे एक पेपर कटर भी मिलता है जिससे श्री को मारा गया था, साथ ही वो चोरी किए हुए पैसे और गहने भी मिल जाते हैं। अब सत्या सीधा उन चीजों को फोरेंसिक में भिजवाता है जहां उसे पता चलता है कि उस पेपर कटर में संजय के फिंगरप्रिंट मौजूद है। मतलब संजय ने रवि को अपनी बीवी को मारने की सुपारी दी और मौका मिलते ही उसने रवि को भी रास्ते से हटा दिया। अब सत्या सीधा संजय के घर जाकर उसे पकड़ लेता है जहां रास्ते में संजय पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। अब संजय वहां से भागकर किसी और के फोन से सीधा अपने दोस्त शरद को फोन करता है और कहता है कि तुम जल्दी से मेरे केबिन में लगे फुटेज को चेक करो, शायद तुम्हें वहां कोई सबूत मिल जाए क्योंकि पुलिस मेरे पीछे है और उन्हें लगता है कि श्री को मैंने मारा है। अब क्योंकि वो सब फुटेज संजय के पास उसके फोन में भी रहती थी, इसीलिए वो सीधा अपने फोन को चेक करने अपने घर जाता है जो उसने चार्ज पे लगा रखा था। लेकिन उसी वक्त संजय पर पीछे से कोई अटैक करता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसका मैनेजर मलिक था। अब मलिक संजय को मारने ही वाला होता है कि तभी कोई पीछे से मलिक पर हमला कर देता है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की शिल्पा थी। अब शिल्पा मलिक को मारने ही वाली थी लेकिन तभी वहां सत्या पहुंच जाता है और उन तीनों को गिरफ्तार कर लेता है। दरअसल जब सत्या संजय के पीछे था तो उसे पता चल चुका था कि कत्ल वाले दिन शरद और रवि का फोन उसी लोकेशन पर था, इसी वजह से उसका शक शरद पर भी था। इसीलिए वो उसे अरेस्ट करने के लिए उसके ऑफिस पहुंचा जहां उसे पार्किंग के सीसीटीवी में एक कार के पास संजय दिखाई दिया था और जब वो वहां पहुंचा तो संजय तो वहां से चला गया लेकिन कार में उसे शरद की लाश मिली थी। अब जब सत्या संजय से इसके बारे में पूछता है तो संजय उसे अपने फोन में वीडियो दिखाता है जिसे देखकर सत्या को सब खेल समझ में आ जाता है और अब वो सीधा मलिक और शिल्पा से पूछताछ करने के लिए आता है जहां उसे पता चलता है कि जब पहली बार शिल्पा ने संजय को देखा था तभी वो उसे पसंद करने लगी, जबकि उसे पता था कि संजय पहले से शादीशुदा है, इसीलिए वो उसकी बीवी श्री को रास्ते से हटाकर संजय को हासिल करना चाहती थी। अब एक रात ऑफिस में लेट होने की वजह से जब संजय शिल्पा को घर ड्रॉप करने के लिए गया तो उन दोनों की काफी बातचीत हुई, साथ ही प्रोजेक्ट की कामयाबी की खुशी में संजय ने उसे एक फोन भी गिफ्ट किया था। अगले ही दिन जब वो शिल्पा को पिकअप करने के लिए उसके घर गया तो कॉफी पीने के बहाने शिल्पा ने उसे अंदर बुला लिया और वो हर कोशिश करने लगी जिससे संजय बहक जाए लेकिन वो वहां से वापस चला गया। इसके बाद शिल्पा ने मलिक को अपने जाल में फंसाया और उससे फिजिकल हो गई, लेकिन मलिक बेवकूफ नहीं था,
तो वो शिल्पा से पूछता है कि मैं 2 साल से तुम्हारे पीछे था, लेकिन तुमने कभी भी मुझे घास नहीं डाली, आज ये सब अचानक कैसे? मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो मुझसे। तब शिल्पा उसे बताती है कि मैं संजय से प्यार करती हूँ, तुम उसकी बीवी श्री को रास्ते से हटाने में मेरी मदद करो, उसके बाद मैं और संजय एक हो जाएंगे और मैं तुम्हें संजय के पैसे हमेशा देती रहूंगी। अब ये सब सुनकर मलिक उसके प्लान में शामिल हो जाता है और जाकर सीधा रवि से मिलता है, जहां वो उसे एक पेपर कटर देता है और कुछ पैसे देता है जिससे कि वो श्री को खत्म कर सके। अब जिस दिन संजय पार्टी में गया था उस दिन मलिक किसी बहाने से घर में घुस गया और उसने रवि को भी अंदर बुला लिया। और अब श्री को बेरहमी से मारने के बाद रवि ने घर का सारा पैसा और गहना एक बैग में रखा और फिर मिर्ची का पाउडर डालकर वहां से भाग निकला। अब उस दिन जब मलिक लक्ष्मी के साथ पुलिस स्टेशन गया था तब उसने पुलिस की सीसीटीवी फुटेज वाली बात सुन ली थी, इसीलिए वो शिल्पा के साथ रवि से मिलने गया और बोला कि पुलिस तुम्हें कभी भी पकड़ सकती है, इसीलिए तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। लेकिन रवि यहां मलिक की बात ना मानकर उल्टा संजय को ही रास्ते से हटाने की बात करता है, जिसको सुनकर शिल्पा रवि को ही जान से मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस वक्त पुलिस ने संजय को अरेस्ट किया उस वक्त वहां शिल्पा भी मौजूद थी, इसीलिए उसने तुरंत मलिक को फोन किया और पूछा कि इन सब में आखिरकार संजय कैसे फंस गया। इस पर मलिक शिल्पा को ऑफिस में बात करने के लिए बुलाता है। अब जब शिल्पा वहां पहुंचती है तो उसी समय वहां संजय ने शरद को केबिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा था, जिसे चेक करने पर शरद को पता चलता है कि श्री की मौत के एक दिन पहले ही मलिक ने संजय के केबिन से उस पेपर कटर को चुराया था और यही कारण था कि पुलिस को उस कटर में संजय के फिंगरप्रिंट मिले थे और यही वो वीडियो थी जो संजय ने सत्या को दिखाई थी। फिलहाल सच्चाई आने पर जब शरद ने मलिक को धमकी दी तो शिल्पा और मलिक ने मिलकर शरद को भी रास्ते से हटा दी और जब संजय वहां पहुंचा तो उसे शरद की लाश मिली, जिसके बाद उसे अपने फोन की याद आई क्योंकि अब वही एक सबूत था जो उसे बेगुनाह साबित कर सकता था। खैर अब ये तो हम जान ही गए कि ये सब मलिक ने इसलिए किया क्योंकि उसे पैसे मिलते, ऊपर से वो शिल्पा से प्यार करता था। अब पुलिस उन दोनों को जेल में बंद करके संजय को छोड़ देती है और अब हमें अगला सीन 3 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां हम संजय को 3 पेपर्स के साथ देखते हैं, जिसमें से एक श्री के इंश्योरेंस पेपर, दूसरे शरद के इंश्योरेंस पेपर और ये दोनों ही 25-25 करोड़ के होते हैं। इसके अलावा उसके पास श्री की 50 करोड़ रुपए की जमीन के पेपर भी होते हैं। अब ये सब मिलकर उसके पास टोटल 100 करोड़ होते हैं, जिसे पाकर संजय बहुत खुश होता है। अब यहाँ से कहानी वापस से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम संजय को एक बिल्डर के लिए काम करते हुए देखते हैं, जहाँ एक दिन उसकी मुलाकात शरद से होती है और उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहाँ एक दिन शरद ही संजय को श्री के घर लेकर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात श्री और उसके दादाजी से होती है। दरअसल शरद श्री को अपनी बहन की तरह मानता था और वो फैमिली भी थे। अब जब संजय ने श्री के दादाजी को देखा तो उसे लगा कि मैंने इन्हें तो कहीं देखा है, पर पुराने पेपर्स खोजने के बाद उसे पता चला कि वो तो 50 करोड़ के मालिक हैं और आगे जाकर वो प्रॉपर्टी श्री की होने वाली है। इसी वजह से संजय ने श्री को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी की। लेकिन एक दिन जब उसे पता चला कि श्री वो प्रॉपर्टी दान करना चाहती है तो उसने एक मास्टर प्लान रेडी किया। उसने पहले श्री और शिल्पा को एक मोबाइल गिफ्ट किया और एक आदमी की मदद से उसने फोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया जिससे वो उनकी सारी बातों को सुन सके। अब जब उसे पता चला कि शिल्पा उसे पसंद करती है तो उसने खुद शिल्पा को उकसाया और कहा कि काश श्री से पहले तुम मुझे मिल गई होती। और उसकी इन्हीं बातों की वजह से शिल्पा को लगा कि कहीं ना कहीं संजय उसे पसंद तो करता है लेकिन श्री के होने की वजह से वो मजबूर है। और इसी वजह से शिल्पा ने श्री को मारने का ये प्लान बनाया, जिसके बारे में संजय को फोन की मदद से पहले ही पता चल चुका था। इसीलिए एक दिन संजय ने श्री की कॉफी में कुछ मिला दिया जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो पार्टी में नहीं जा पाई, जिससे मलिक ने रवि के जरिए श्री का कत्ल कर दिया। मतलब यहां संजय ने पूरा का पूरा चक्रव्यूह रचकर बिना किसी को मारे इस काम को अंजाम दे दिया था। अब प्रेजेंट में जब संजय अपनी गाड़ी में उन 100 करोड़ के पेपर्स को देखते हुए जा रहा होता है तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी गाड़ी को उड़ा देता है, जिसकी वजह से संजय की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। यहाँ ट्रक ड्राइवर बाहर निकलकर एक आदमी को फोन करता है और कहता है कि सर काम हो गया, और ये आदमी कोई नहीं बल्कि सत्या ही था, क्योंकि सत्या को वो आदमी मिल गया था जिसने श्री और शिल्पा के फोन में वो सॉफ्टवेयर डाला था। अब सत्या संजय के इन गुनाह को कोर्ट में साबित तो नहीं कर सकता था, साथ ही इतने पैसों की मदद से वो कैसे भी करके बच सकता था, इसीलिए सत्या ने खुद ही ये कदम उठाकर उसे ये सजा दे दी। दोस्तों आपको ये चक्रव्यूह मूवी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और धांसू मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।